अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ ने 4 दिन पूर्व जनपद के थाना भोजपुर अंतर्गत ग्राम काफियाबाद में सुरेंद्र सिंह नामक दलित व्यक्ति की हत्या के विरोध में कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी अंबेडकर पार्क पर इकट्ठा हुए और यहां से जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी एवं SSP कार्यालय पहुंचे, जहां जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कहा गया कि 4 दिन बीत जाने के बाद भी सुरेंद्र सिंह के हत्यारों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया, जिसे दलित समाज में रोष व्याप्त है। मांग उठाई गई कि सभी आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। प्रदर्शन एवं ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर प्रसाद मौर्य एडवोकेट ने सिटी चैनल संवाददाता को बताया, देखिए थाना भोजपुर में काफियाबाद गाँव है, वहाँ पे एक हमारा दलित व्यक्ति गार्ड की नौकरी करता है, सुरेंद्र सिंह नाम है, और वो अपनी रात की ड्यूटी करके सुबह घर जा रहा था। 7:30 बजे इन दरिंदों ने गोलियों की, मतलब एक गोली नहीं मारी है, 3 गोली मारी है पूरी, और वो उसको जो है मार दिया, ऑन रोड मारा है, चौकी के सामने मारा है। इस्लाम नगर चौराहे की घटना है और इस्लाम नगर चौराहे पर चौकी है, तो आज पुलिस का भय बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। 5 में से केवल अभी तक 1 मुलजिम पकड़ा गया है। इससे ये पता चलता है कि प्रशासन हमारा कितना सजग है, कितना जागरूक है। ये सब जो हो रहा है, हम ये मान के चल रहे हैं कि प्रशासन की इसमें ढील है, और नहीं तो उसी समय अगर ऑन स्पॉट वो मुलजिम पकड़े जाते तो अब तक सब मुलजिम पकड़े जाते। अब जितना ये गैप हुआ है, मुलजिम कम से कम सैकड़ों नहीं बल्कि 200 किलोमीटर दूर भाग गए होंगे। अब ये प्रशासन जो है ये मतलब कहेगा कि वो नहीं मिल रहे तो उनको भागने का मौका पुलिस प्रशासन ने दिया है। दूसरी बात, यहाँ पर इस मुकदमे में SC Act लगा है। SC Act में तत्काल DM को और SSP को मौके पे घटनास्थल पर पहुंचने के आदेश हैं, लेकिन अभी तक एक भी अधिकारी घटनास्थल पर नहीं पहुंचा है। पीड़ित परिवार को जो मदद करनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं हुई है, तो प्रशासन की तरफ से अभी तक हम लोग जो है पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। हमारी मांग है कि ये जो मुलजिम है, 4 मुलजिम अभी बाकी हैं, ये तत्काल पकड़े जाएँ, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे अखिल भारतीय अंबेडकर संघ के संगठन ने और यहाँ पर तमाम यहाँ संगठन हैं, उन्होंने 72 घंटे का प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि 72 घंटे के अंदर हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे, चाहे अंजाम कुछ भी हो। कुछ भी। तो किन कारणों से हत्या की गई थी, किस रंजिश में? ये चुनावी रंजिश है। गांव के अंदर एक छोटी छोटी बातों पे मर्डर हो जाते हैं। ये इसकी वजह यह है कि पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन आम जनता से नज़दीक नहीं है, आम जनता से प्रशासन की दूरी बनी हुई है, इसलिए आदमी छोटी छोटी घटना बातों पे मर्डर कर देता है। अगर प्प्रशासन 4 दिन हो गए, 4 तारीख की घटना है, 5वां दिन है, 4 दिन बीत गए, 4 तारीख की सुबह 7:30 बजे मर्डर हो गया, एक की हुई है केवल, चार है, सब मुख्य हैं, सबके हाथ में तमंचे थे, सबने गोलियां मारी हैं, 3 गोली लगी हैं। तो यह है कि जब दूर से आदमी गोली मारता है तो किसी की नहीं भी लगती है, लेकिन गोलियां सबने चलाई होंगी और 3 गोली जब लगी है शरीर में तो इसका मतलब यह है कि बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ ये काम हुआ है और इसमें प्रशासन की बहुत ढील है, जिसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और 72 घंटे के अंदर ये हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तो मुरादाबाद की धरती पे बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा जिसकी गूंज लखनऊ और दिल्ली तक पहुंचेगी। इस मौके पर शकुंतला, नेत्राम, गौरव कुमार, हुकुम सिंह, सतीश कुमार, राज बहादुर, पिंटू, चंदन सिंह, रैदास, सुनील कुमार, अशोक कुमार, हीरा सिंह, अमित कुमार, सुरेश कुमार, गौतम, रेखा, ओमवती, रामवती एवं राम सिंह सहित भारी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद रहे। इस मौके पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े प्रबंध किए गए थे। अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय एवं CO सिविल लाइन सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाले हुए थे।